नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। राशन दुकान के खिलाफ महिलाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रौसड़ा कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत होने पर उपजिलाधिकारी सर्वेश यादव ने कहा कि जांच कराने के बाद शिकायत सही पाई जाने पर कोटेदार पे कार्रवाई होगी। उपजिलाधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद अंत्योदय कार्ड धारक महिलाएं तहसील से वापस चली गईं। बिल्था रोड बलिया तहसील क्षेत्र के ग्राम रौसड़ा कोटेदार के खिलाफ प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार पटेल के साथ साथ दो दर्जनों से ज्यादा अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं ने उपजिलाधिकारी सर्वेश यादव को कोटेदार के राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता को लेकर एक ज्ञापन दिया। एसडीएम बिल्था रोड से गरीब शोषित महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि पात्र गृहस्थी में राशन यूनिट की वजन 5 किलो के जगह पर 4 किलो दिया जा रहा है। वितरण में धांधली बरते का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इन उपभोक्ताओं का कहना था कि राशन समय पर नहीं मिल रहा है और यूनिट के हिसाब से कम दिया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में मनमानी कर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में तहसील में एसडीएम को सामूहिक ज्ञापन देकर राशन वितरण में धांधली रोकने की मांग की। डीलर पर वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मांग उठाई कि दुकान पर जांच बैठाई जाए और कोटा निरस्त किया जाए। बुधवार को ग्राम रौसड़ा के ग्रामीण तहसील पहुंचे, आरोप लगाया कि उनके गांव का डीलर राशन वितरण में धांधली करता है, विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में कम राशन बांटा जा रहा है, बाकी राशन का बंदरबांट कर लिया जाता है। बार बार शिकायत के बाद भी डीलर सुधर नहीं रहा है और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। इससे हौसले और बढ़ रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार पटेल, अंत्योदय कार्ड धारक शिव कुमारी विक्रमा, कौशल्या नंदलाल, रामभवन, ममता, हसीना खातून, रीता देवी, मुन्नी, किरण, दिनेश, रामाश्रय, बबलू कुमार, मुंगवली आदि राशन कार्ड धारक मौजूद रहे। मैं राजकुमार पटेल, प्रधान प्रतिनिधि रौसड़ा। आप एसडीएम के ऑफिस आए थे, क्या मामला था आपके साथ? हमारे ग्राम सभा के मोहरराम कोटेदार हैं, उन्होंने लाल कार्ड पे, अंत्योदय कार्ड पे चीनी आया था, लोगों को चीनी वितरित नहीं किए। कितना चीनी दिए थे, कब दिए थे? 2-4 लोगों को दिए थे, 20-20 किलो दिए थे, और अन्य लोगों को 30 कार्ड है, 4-5 लोगों को दिए थे और 25 लोगों को नहीं दिए थे। एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा कि मैं इस मामले का जांच करवा करके या इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। क्या आप संतुष्ट हैं उनके कहने से? जी संतुष्ट हैं, साफ बोले हैं जांच करवाने के लिए कि हम इस पे एकदम जांच करवाएंगे। अगर जांच नहीं होती है तो इसके आगे आपकी क्या रणनीति होगी? ऊपर अधिकारी के यहाँ हम इसको अवगत कराएंगे। कौन सा कार्ड है आपके पास? लाल वाला कार्ड है। राशन आप कितना मिलता है? 5 किलो प्रति महीना। 35 किलो मिलता है कभी? ना। महीना वाला जैसे शुरू में 5 किलो, शुरू में 5 किलो मिलता है, दोबारा नहीं मिलता आपको राशन? इसके पहले चीनी मिला है कभी आपको? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से नियम है कि एक बार एक यूनिट पे 5 किलो मिलेगा एक आदमी पे, और दूसरा जो पैसे का मिलता था पहले, इस समय पैसा नहीं लग रहा है, उसको 35 किलो में राशन मिलता था। क्या 35 किलो राशन मिलता है आपको? 5 किलो, सिर्फ 5 किलो, हर महीना 5 किलो, महीने में एक बार मिलता है। किसके नाम से कार्ड है? शिव कुमारी आप ही है? आप लोगों की कोई समस्या? सर हम लोग का राशन कार्ड हम लोग बना दिए हैं, लोग ठीक राशन हम लोग उतार रहे थे, लेकिन हम लोग का राशन जो नवम्बर से हम लोग काट दिए। लाल कार्ड में नाम है। हाँ, किसका लाल कार्ड है? क्या नाम आपका? कोशिश। लाल कार्ड है आपका? हाँ। राशन मिलता है आपको? 5 किलो गेहूँ मिलता है कि चावल? चावल गोहूर। 5 किलो पैसा भी लिए हैं? पैसा नहीं लिए। सिर्फ मैंने एक हर महीने सिर्फ 5 किलो ही आपको राशन मिलता है, 35 किलो फ्री वाला राशन आपको नहीं मिलता। चीनी मिला आपको? और किसी का मामला? आप लोग कैसे आई है? क्या नाम है आपका? रामदेव। क्या मामला है आपका? राशन का हम लोग का लाल कार्ड है,
हम लोग 5 किलो मिला था। अच्छा, एक आदमी का नाम है बलिया से ए समत, एक यूनिट है ना, एक यूनिट पे तो 5 किलो ना है। निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, महीने में एक बार सिर्फ 5 किलो। जय हिंद। क्या मामला है तहसील पे आ पाई है?